झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं। गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। उखाड़ कर फेंक देना है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कमल के निशान वाली सरकार बना है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। ढेर सारे काम मोदी जी ने किए और यहां पर गहलोत सरकार ना गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही है। वसुंधरा राजे की सरकार ने ढेर सारी चालू की हुई गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया है, तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। ढेर सारे काम जो भारत सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा बनी हुई है। मंदिर भी सुरक्षित नहीं गहलोत साहब आपके राज के अंदर। कि अमित शाह जी आए थे जयपुर में और लोगों को गुमराह करने का काम किया, जिसका मैंने कल आपको मैंने प्रेस नोट जारी किया था। हर चीज में उन्होंने असत्य बोला है, ऑक्सीजन प्लांट के बारे में भी, गरीबों को क्या इमदाद करी बारे में भी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, जबकि सारे काम यहाँ हो चुके हैं और कागजों के अंदर है, सब रिकॉर्ड के अंदर है। ये गृह मंत्री से उम्मीद नहीं करते हैं वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करके जाए यहाँ से। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और जो प्रस्ताव था बीजेपी का वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये जितने केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के और जो ये राजस्थान के मंत्री और इनके जो भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष जो भी हैं, ये तमाम लोग जो है मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ बिना तर्क के, बिना तथ्यों के बात करते हैं। क्या तो इनको कोई इनके पास तर्क है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है और अनर्गल प्रचार करते हैं। तो मैं इनको देखता हूँ कि ये लोग किस रूप में अपनी पार्टी में क्या ये लोगों को अपने कैडरों को समझाते होंगे। बिना तथ्यों के आप बोलोगे तो जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि दुर्गति हो रही है। आप बताइए बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में राज कर रही है, जवान जब्त हो रही है, 30-14 नंबर पे आ रही है, आप सोच सकते हो तो क्यों आ रही है? इसीलिए इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं, असत्य का सहारा लेते हैं। हमारी बहुत सारा कर्जा लेकर प्रति व्यक्ति 65,300 रुपए का कर्जा आज राजस्थान में बच्चा पैदा होता है, 65,300 रुपए का कर्जदार पैदा होता है और उनको हमेशा डर मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाली। ऐसा क्यों के आधार पर चलने वाली? गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं। किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से, भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया।
मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप अंतरकलह के अंदर ही व्यस्त है और पूरे राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्याख्या ही बदल गई। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लॉ और ऑर्डर करो, लॉ और ऑर्डर करो। ये पूरी भ्रष्ट सरकार ट्रांसफर इंडस्ट्री लगाई, इसके परिणाम स्वरूप लूट के मामलों में 40% की वृद्धि, अपहरण के मामले में 25%, बलात्कार के मामले में 21%, दलित और कन्याओं पर बलात्कार के मामले में 42%। मित्रों, ढेर सारे पुजारियों की हत्या, मंदिर के अंदर चोरियां हो, मंदिर भी सुरक्षित नहीं। गहलोत साहब, आपके राज के अंदर अब आप यूपी गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर कुछ सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। मित्रों, कोरोना के अंदर मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाने का काम किया, 125 वैक्सीन के डोज लग चुके, ढेर सारे वेंटिलेटर भेजे, ऑक्सीजन प्लांट भेजे। 1500 वेंटिलेटर जो भारत सरकार ने भेजे थे वो रास्ता कर गए हैं, एक तो भरतपुर के निजी चिकित्सालय से मिला। वेंटिलेटर हमने भेजा था जनता के लिए और वो वेंटिलेटर मिल रहे हैं निजी चिकित्सालय से। ऑक्सीजन प्लांट भेजे वो भी शुरू नहीं कर रहे हैं, भर्ती भी बंद है, शिक्षा का बेहाल है। गहलोत साहब, आपने विकास के रास्ते पर चल पड़ा, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान था उसका बंटा धार करने का काम किया है, बंटा धार करने का। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या कर रही है। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें, परंतु राजस्थान की जनता का काम करें। नहीं तो भ्रष्टाचार, बेरोजगार और अव्यवस्था राजस्थान सरकार का स्वभाव बन गया। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने राजस्थान के 42,860 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के नीचे 14 लाख घर बनाने का काम किया, रेल के लिए 1228 किलोमीटर 11 नई रेल परियोजनाओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 50,000 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण कर ढाणियों तक विद्युत पहुंचाने का काम किया है, भारतमाला परियोजना में 2400 किलोमीटर रोड बनाए, ढेर सारे काम करे। मगर मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, इस बार कच्ची पोची सरकार नहीं चाहिए, 2/3 बहुमत से सरकार चाहिए। आप राजस्थान के गांव गांव से आए हैं, पंचायत के प्रतिनिधि है, नगर इकाई के प्रतिनिधि है, सहकारी संस्था के प्रतिनिधि है, आप बताइए यहां से हर गांव में जाकर 2/3 बहुमत के लिए सरकार का प्रयास करेंगे? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे? 23 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।